हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम यू टू चैनल। ऑल स्टूडेंट्स प्लीज नोट हर, आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू प्रेपर रिपोर्ट्स राइटिंग फ्रॉम मोबाइल। प्लीज वॉच द वीडियो एंड केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ कैन यू राइट योर रिपोर्ट राइटिंग ऑन बुकलेट ऑन मोबाइल्स फोन थ्रू। तो प्लीज सी डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान दें, जैसा कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आपको DHA वगैरह बनाने में प्रॉब्लम होता है और आपको रिपोर्ट राइटिंग करने में प्रॉब्लम होता है, तो DI के स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली ये वीडियो डेवलप किया है मैंने। तो वो स्टूडेंट्स जिनको अभी खासी प्रॉब्लम आ रही है अपना रिपोर्ट राइटिंग अथवा आपको कोई भी पैराग्राफ बनाने में या DHA वगैरह रिपोर्ट लिखने में, तो उसके लिए एक सिंपल तरीका है, आप लोग अपने फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर से जाके DOCS नाम का ये ऐप डाउनलोड करेंगे। तो जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो आपको यहाँ पे एक ये प्लस का जो है आइकॉन दिखाई देगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू डॉक्यूमेंट्स एंड चॉइस टेम्पलेट, यानी कि आप यहाँ से टेम्पलेट चॉइस कर सकते हैं अपनी। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको इतना यहाँ पे टेम्पलेट मिल जाएगा, आप जिस पर भी अपनी रिपोर्ट या जो भी बुकलेट आप लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से किसी को एक को चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप उस पर, ऐसे मैंने इसको चूज किया, तो ये यहाँ पे आ चुका है। तो उसके बाद आप यहाँ से जो आपको ये कलम दिख रही होगी, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे आपका कर्सल आ गया, यहाँ से आप इसको टाइप कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ आप मोबाइल से कैसे इसको यूज कर सकते हैं, और काफ़ी सिंपल तरीका होता है इसको यूज करने का। उसके बाद आप लोग यहाँ से जाएंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ से अपनी कोई भी फॉर्म जो है अपनी फाइल वगैरह उसको डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से मैं कोई भी टाइप कर सकते हैं, जैसे कि DA यहाँ पे दयालबाग यूनिवर्सिटी DI आगरा, इसको टाइप करके यहाँ पे मैं अपनी पूरी फाइल जो है वो डेवलप कर सकता हूँ। अगर मुझको कोई पिक वगैरह ऐड करनी है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, और यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे आपको लिंक दिख जाएगा, तो आप लोग यहाँ से इमेज वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये तीन ऑप्शन दिख रहा है, आप किसी एक में जाएंगे तो इमेज वगैरह को भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे इमेज सेट करके भी एक दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप पहुँचेंगे तो आपका जो है PDF ओपन हो जाएगा, तो आप यहाँ से कोई भी अपनी इमेज जो है उसको ओपन कर सकते हैं किसी को भी। मैंने एक्चुअली इसको यहाँ पे क्लिक किया, ये आपकी यहाँ पे हो चुकी। तो उसके बाद आप लोग अगर यहाँ से कुछ लिखना चाहते हैं, टाइप करना चाहते हैं, कलर देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से कोई भी कलर आप जो है वो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है रेड को सिलेक्ट किया, अब मैं यहाँ पे जो है रेड में कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा, आपको ऊपर मैं दिखाता हूँ एक मिनट, यहाँ से तो आपको ये, जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ से हाईलाइट होने के बाद मैं इसको भी ऐसे कर देता हूँ यहाँ पे, तो अब मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो ऐसे जाएगा, हाईलाइट होता चला जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आप लोग अपनी फाइल जो है इस प्रकार यहाँ से पूरी फाइल जो है वो टाइप कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो बाकी आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस ऐप के द्वारा अपनी मतलब फाइल को डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।